सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 15 पन्ना का त्याग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को आप पढ़ चुके हैं, आइए अब इसका अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ, तो देखते हैं शब्दार्थ। सबसे पहले है मर्दानी। मर्दानी यानी मर्दों जैसा काम करने वाली। मर्दानी कौन होती है? जो मर्दों जैसा काम करे, है ना। दृष्टि, दृष्टि नजर। पात की, पात की पापी। स्वेच्छा, स्व इच्छा, दो शब्दों से बना है ये, स्व प्लस इच्छा, यानी स्व माने अपनी, इच्छा माने इच्छा, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी। कालग्रस्त, कालग्रस्त मृत्यु को प्राप्त। निधन, निधन मृत्यु। षड्यंत्र, षड्यंत्र साजिश। खंडहर, खंडहर टूटे घर। निष्कंटक, कांटे रहित या फिर बाधा रहित। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी अनजान। निरापद, जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो या फिर सुरक्षित, उसे कहते हैं निरापद। भेदिये, भेदिये भेद देने वाले। बारी, बारी कौन होता है? सफाई कर्मी, जो सफाई करता है उसे कहते हैं बारी। और वो बारी कौन था? कीरत बारी, है ना, जो जूठी पतले उठाकर मैल से बाहर पहुंचाता था। शयन कक्ष, शयन कक्ष, शयन मने सोना, कक्ष मने कमरा, तो क्या हो गया इसका अर्थ? सोने का कमरा, शयन कक्ष सोने का कमरा। अब है लास्ट निद्रा मग्न। मग्न मने डूबा हुआ, निद्रा मने नींद में, तो क्या हो गया? नींद में डूबा हुआ, निद्रा मग्न नींद में डूबा हुआ। अब आगे शब्द है उच्चारण के लिए, इसको आपको किताब से भी पढ़ना है और मेरे पीछे भी बोलना है। तो देखिए, पहला है मर्दानी। क्या है? मर्दानी। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई। कालग्रस्त, कालग्रस्त। संग्राम सिंह। क्या है? संग्राम सिंह। षड्यंत्र, षड्यंत्र। कर्मचारियों, कर्मचारियों। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण। महादुष्ट, महादुष्ट। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? नवरात्र। निष्कंटक, क्या है? निष्कंटक। अट्टहास, जोरदार हंसी जो होती है उसे कहते हैं अट्टहास। क्षत्रियत्व, क्षत्रियत्व। आगे सोचें और बताएं, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं? पहला प्रश्न क्या है? पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं? तो पाठ में पन्ना धाये के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। किन किन के नाम आए हैं? पन्ना धाये के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई? कब फैल गई अव्यवस्था? चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई। किसकी मृत्यु के बाद? संग्राम सिंह की, महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्था फैल गई थी। उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों? क्यों नहीं था उदय सिंह को महल में छिपाने से लाभ? क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिये मौजूद थे।
इसीलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। दोबारा देखो, क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिये मौजूद थे, इसीलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। अब नीचे है निम्नलिखित शब्दों, निम्नलिखित पंक्तियों में दिए खाली स्थानों की पूर्ति करो। तो अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसीलिए वह रूठ कर कहां सो गया था? क्या आएगा इसमें? रसोई घर में। क्या आएगा? रसोई घर में। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसीलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। उदय सिंह पर पन्ना धाये क्या छाई हुई थी? कैसे छाई हुई थी? ढाल बनकर। क्या आएगा? ढाल बनकर। उदय सिंह पर पन्ना धाये ढाल बनकर छाई हुई थी। आगे है, सही उत्तर चुनकर कर्माक्षर कोष्टक में लिखे। तो पहला है, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? कौन करती थी उदय सिंह की देखभाल? पन्ना धाये। क्या आ जाएगा इसमें? क। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाये करती थी। अगला है, पन्ना धाये का एकमात्र बेटा था। कौन था उसका बेटा? उदय सिंह, विक्रम सिंह, चंदन और बनवीर। कौन था उसका? चंदन। तो क्या आ जाएगा इसमें? ख। उदय सिंह का एकमात्र बेटा चंदन था। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? क्या चाहता था दासी पुत्र बनवीर? सारा राज्य हड़पना चाहता था। बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? क्या चाल सोची थी महादुष्ट बनवीर ने? कि जब सारी प्रजा नाच रंग में लगी होगी तो वो दोनों राजकुमारों को बुलाकर मार देगा। क्या सोचा था उसने? कि बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई। पन्ना धाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? कैसे असफल किया? पन्ना धाय ने उदय सिंह को किरत बारी के साथ महल से बाहर भेजकर और उसके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुलाकर सुला दिया, और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल जो थी वो असफल हो गई। दोबारा देखो, पन्ना धाये को जब पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता है तो उसने क्या किया? उन्होंने कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की जो चाल थी वो असफल हुई। कीरत बारी ने क्या काम किया था? क्या काम किया था? कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। क्या किया था कीरतवारी ने? कीरतवारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। अब आगे देखो, आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। तो इसमें सबसे पहले है, एक वचन दिया हुआ है, उसका आपको क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो देखिए, पहला इन्होंने बताया हुआ है खिड़की खुली थी। क्या है? खिड़की खुली थी। अब इसमें क्या आएगा बहुवचन में? खिड़कियां खुली थी। तो क जो है उस पे बड़ी की मात्रा लगी है एक वचन में, तो बहुवचन में जाकर क्या होगी? वो छोटी की मात्रा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक वचन में बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन में वो क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा। अब आगे देखो, मोहन ने ताली बजाई। तो क्या आएगा यहाँ पे? मोहन ने तालियां बजाई। कैसे लिखेंगे तालियां? तालियां। मोहन ने तालियां बजाई। मोहन ने तालियां बजाई। खूबी लाल ने कहानी सुनी।
अब कैसे लिखेंगे? कहानियां, न को छोटी की मात्रा और या ऐसे कैसे, है ना। कुबीलाल ने कहानियां सुनी, रन में रानी लड़ रही थी। रानी की जगह क्या आ जाएगा? वो रानिया, रन में रानिया लड़ रही थी, रन में रानिया लड़ रही थी, दासी आ रही है। क्या होगा? दासियां, स को छोटी की मात्रा हो जाएगी और या साथ में लग जाएगा। दासियां आ रही है की जगह क्या हो जाएगा? है। अब आगे देखो, राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी शब्द जो है वो कविता की विशेषता बता रहा है कि कविता कितनी सुनाई? पूरी। तो आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों की सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखो। तो आपने भी क्या करना है, जिन जिन शब्दों के विशेषण लगे हुए हैं उन वाक्यों को छांटना है। तो देखो, जैसे महाराणा, सब शुरू से लग जाओ पाठ में, सभा में बड़ा मजा आया, सभा में बड़ा मजा आया। अब बड़ा मजा, तो मजा कितना आया? बड़ा। तो बड़ा क्या है? विशेषण। अगली लाइन, जैसे महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था कितनी फैल गई? बड़ी, है ना। तो बड़ी भी क्या है यहाँ पर? विशेषण। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। परीक्षा कैसी थी? कठोर। तो परीक्षा की विशेषता बता रहे हैं कठोर शब्द भी। तो कठोर क्या है? विशेषण। तो ऐसे ही अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। तो अबोध चंदन, चंदन कैसा है? अबोध। तो अबोध ये क्या हो जाएगा? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो आपने पाठ में से ऐसे वाक्य छांटने हैं जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, और उनमें से वाक्य में आए विशेषण शब्द को यहाँ पर अलग करके लिखना है। अब अगला प्रश्न है, इन चिन्हों को पहचाने। यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को पहचाने। तो बताएं कि इनको पाठ में ये चिन्ह कहाँ आए हैं, इन्हें देखो और समझो। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन चिन्हों को? इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विराम चिन्ह कहते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह देखो, पहले पहले ऐसे बना हुआ है ना। तो ये क्या है? कोमा। कोमा यानी अल्प विराम, यह अल्प विराम का चिन्ह है ना। और दूसरा ऐसे लगा हुआ है, ये क्या है? पूर्ण विराम। जब कोई लाइन जो है वो पूर्ण वाक्य जो है वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो अंत में चिन्ह लगता है वो कौन सा होता है? पूर्ण विराम। फिर ऐसे करके ऐसे है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जो चिन्ह लगता है वो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और फिर ऐसे है ना। तो ये चिन्ह किसका है? विस्मयबोधक चिन्ह। जब भी किसी बात पर हमें बहुत अधिक आश्चर्य होता है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह। तो सबसे पहला अल्प विराम, फिर पूर्ण विराम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर विस्मयबोधक चिन्ह। आपके पाठ में बहुत से चिन्हों वाले ऐसे स्थान आए हैं जहां पर ये चिन्ह आवश्यकता अनुसार लगे हुए हैं। तो आपको उनको छांट कर देखना है और उसको समझना है। तो ये आपके पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।